जबलपुर सहित मध्य प्रदेश में चांद दिखाई न देने की वजह से अब रोजेदारों को एक दिन और रोजा रखना पड़ेगा। मुफ्ती आजम मध्य प्रदेश डॉक्टर मौलाना मोहम्मद हामिद अहमद सिद्दीकी ने शनिवार को 25 मई को ईद उल फितर मनाए जाने की घोषणा की है। रमजान के पवित्र महीने में मुस्लिम रोजेदार एक महीने तक रोजे रखते हैं और महीने के आखिरी दिन चांद दिखाई देने के बाद ईद मनाते हैं, लेकिन इस बार मध्य प्रदेश में चांद कहीं नहीं दिखाई दिया। इस वजह से ईद उल फितर सोमवार को मनाई जाएगी। देश में इस समय कोरोना संक्रमण फैला हुआ है और पूरे देश में पिछले 60 दिनों से लॉकडाउन चल रहा है। वहीं लॉकडाउन में देश के नागरिकों को अपने अपने घरों में रहने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने को कहा गया है। मुस्लिम धर्मावलंबियों ने भी रमजान के पवित्र महीने में लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए घरों में रहकर रोजे रखे और नमाज अदा की। मुफ्ती आजम मध्य प्रदेश ने रोजेदारों से कहा कि खुदा ने आपको एक दिन और रोजा रखने का मौका दिया है, आप सभी लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए ईद उल फितर मनाएं। लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए घरों में ईद मनाएं। मुफ्ती आजम मध्य प्रदेश ने ये भी कहा कि सोमवार को ईद उल फितर की नमाज सभी ईदगाहों और मस्जिदों में होगी, लेकिन वहाँ पर सिर्फ 5 से 7 लोग ही मौजूद होंगे। نحمده ونصلي على رسوله الكريم برادران اسلام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سخت گرمی میں اور اتنی پابندیوں کے باوجود آپ حضرات نے رمضان المبارک کے روزے رکھے बहुत बहुत मुबारकबाद। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि आपने हुकूमत की नमाज के मामले में तरावीह और जुमे की नमाज के मामले में हुकूमत की हिदायत को नज़रअंदाज नहीं किया, भीड़ नहीं लगाई, सोशल डिस्टेंसिंग पर कायम रहे, चंद लोगों ने नमाजें पढ़ी। अब आज मैं आपको सिर्फ ये बताने जा रहा हूँ कि आज चांद कहीं नहीं हुआ, कोई शहादत चांद की नहीं आई, इसलिए एक रोज़ा और आपको मिल रहा है। अल्लाह ताला आपको इस रोज़ मज़ीद एक रोज़े के सवाब क्या मुस्तहक बने, और इंशाअल्लाह ताला पीर के दिन हम आप ईद मनाएंगे। मगर उन्हीं पाबंदियों का लिहाज रखते हुए जिन पर हमने अभी तक अमल किया है। ईदगाहों में नमाज होगी, वही चंद लोग, ज़्यादा से ज़्यादा 5-7 लोग पढ़ेंगे। मस्जिदों में भी 5-7 लोग पढ़ेंगे, बाकी सब लोग घरों में, जैसा मैंने पहले आपको हिदायत दी है, घरों में शुक्राने की 2 रकात नफिल अदा कर लेंगे चाश्त के बाद। अल्हम्दुलिल्लाह रमजान पूरा हुआ, अब ईद भी इंशाअल्लाह हम मना लेंगे। बहरहाल मैं फिर आपसे यही गुजारिश करूँगा कि आप अपने लिए, जबलपुर वालों के लिए, हिंदुस्तान वालों के लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला कोरोना की इस परेशानी से हमें और हमारे मुल्क को बहुत जल्द नजात अता फरमाए। मैं पेशगी आप तमाम हज़रात को ईद की मुबारकबाद देता हूँ। इंशाअल्लाह मेरा इरादा है कि जो पैगाम आप मुझसे ईद की नमाज के मौके पर ईदगाह में बड़ी तादाद में सुना करते थे, एक पैगाम मेरा इंशाअल्लाह वीडियो या ऑडियो के ज़रिए ईद के बाद मुबारकबाद के साथ फिर आप तक पहुंचेगा। और मुझे यकीन है कि आप उस पैगाम को भी सुनेंगे और आगे के लिए जो मशवरे आपको मैं दूंगा उस पर अमल करेंगे। मुझे इस वक्त सिर्फ यही ऐलान करना था कि चांद नहीं हुआ, ईद इंशाअल्लाह ताला दुशंबे पीर को
25 तारीख 25 मई को होगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। प्रशासन से क्या अपील है, पानी की बड़ी दिक्कत है। हाँ, मुझे एक बात कहना रह गई। कुछ हमको ये टेलीफोन हमारे पास आए, लोग बड़े परेशान थे, पानी की सप्लाई किसी वजह से कुछ इलाकों में बंद हो गई है, उसमें कुछ मुस्लिम इलाके भी हैं, बड़ा फॉल्ट है, उसके बनने में भी कुछ वक्त लग सकता है। तो मैं आप हजरात से गुजारिश करूंगा कि थोड़ा इस तकलीफ़ को बर्दाश्त कर लें, और मैं प्रशासन से अपील करता हूं कि फौरी तौर पर पानी का वो इंतज़ाम करे। सख्त गर्मी है, टैंकर वहां भिजवा दिए जाएं। और मुसलमानों के लिए ईद का त्यौहार है, नहाने धोने के लिए पानी की ज़रूरत पड़ेगी ईद के मौके पर। भले नमाज ईदगाह में नहीं पढ़ रहे हैं, मगर घरों पे तो अपने कपड़े भी बदलेंगे, नहाएंगे धोएंगे। तो उसके लिए मैं आप प्रशासन से ख़ास तौर पर मेरी गुजारिश है कि जल्द से जल्द ऐसा इंतज़ाम वो करें कि लोगों को इस इंतज़ाम के बाद पानी की कमी ही महसूस ना हो। मुझे उम्मीद है कि प्रशासन इसकी तरफ ध्यान देगा और इस तकलीफ को बहुत जल्द दूर करने की कोशिश करेगा। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरो न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9039011886 एवं 9770229999।